Hello children, welcome again to Swastik Academy online classes. As you know, myself Avati Pandey, your social science teacher. Today I will explain your revision exercise of semester 1, chapter number 4, 5 and 6. One from history, second is geography and third will be from civics. पहला बच्चों हमारा चैप्टर 4 राजपूत केस, इसमें पॉइंट्स जो कवर करेंगे राइज ऑफ नेशनल न्यू डायनेस्टीज एंड नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स देन लोकेशन एंड टाइम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम. अनदर इज चैप्टर 6 एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिवल एज. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द राजपूत एज और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ विलेज एंड चेंज इन द रूल ऑफ दिल्ली. ये सारे पॉइंट्स हम तीनों चैप्टर्स के कवर करेंगे. सो ऑल ऑफ यू जस्ट लिसन विदाउट एनी नॉइज एंड केयरफुल. राजपूत एज यानी कि जो हमारे राजपूत थे उनके समय का शासनकाल किस तरह का था. इन द एंशियंट टाइम किंग्स यूज टू कंस्ट्रक्ट सच फोर्ट्स वी कम अक्रॉस मेनी रेमिनेंट्स ऑफ फोर्ट्स. देयर इज डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम एंड एंशियंट टाइम. आज के समय में जैसा कंस्ट्रक्शन है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता था पहले के समय में. बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राजपूत एज आर स्टिल देयर. तो अभी भी वहाँ पे जो राजपूत एज के समय में जितनी बिल्डिंग्स बनाई गई बच्चों वहाँ पर है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जो राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज थी अलग अलग डायनेस्टीज किस तरह से उनका वो राइज हुआ उनको हम आपको बताएंगे. आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इन द मिडिल ऑफ 7th सेंचुरी द ट्रिब्यूटरी किंग्स लैंडलॉर्ड्स लीडर्स स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. उन लोगों ने जितने भी सब थे राजा महाराजा लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर दिया और अलग अलग डायनेस्टीज उनकी बन गई. जो नॉर्थ इंडिया में हम पढ़ेंगे आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षा यश वर्मा बिकेम द रूलर ऑफ करौल एंड ही बिकेम द वेरी पावरफुल रूलर. इसके बाद प्रतिहार डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई करौल में और प्रतिहार ने प्रोटेक्ट किया भारत को अरब इन्वेजन से. मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज मेहबोध. ही वॉज वाइडली नोन एज बोध एंड मेहबोध इन द हिस्ट्री. इन दोनों नाम से वो जाने जाते हैं. ड्यूरिंग हिज राइन ही फॉट मेनी बैटल्स विद राष्ट्रकूटास के साथ बहुत सारी लड़ाई करी और उनमें राष्ट्रकूटा सबसे आगे थे. परमार डायनेस्टी वॉज रूलिंग इन मालवा उज्जैन एंड धारनगरी वेर द टू मेन सिटीज ऑफ मालवा. धारनगरी होती थी एज एट प्रेजेंट टाइम इज नोन एज धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. भुज एंड भुज ऑफ परमार वेर नॉट ओनली गुड रूलर्स बट ऑल्सो गुड पोइट्स भी थे वो लोग. उन्होंने जो स्कॉलर्स थे उनको अपने दरबार में स्थान दिया था. राजा भोज और किंग भोज जो थे उन्होंने धार नगरी को पढ़ने का सेंटर बनाया था विद्या नगरी के नाम से जाना जाता था एंड इस्टेब्लिश विद्यापीठ फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर. मैनी आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. और इस तरह से परमार एंड फ्रीक्वेंट फ्रिक्शन विद चालुक्य ऑफ साउथ. आफ्टर द डेथ ऑफ बोध रूल ऑफ मालवा वी कैन धीरे धीरे वो कमजोर बनता. द रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टी एंड सेम डायनेस्टी रूल इन बिहार एंड बंगाल. पाल किंग हैड पाला एडेड ऑफ देयर नेम एज दे आर नोन एज रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टी. देयर इन द बिगनिंग चौहान एस्टैब्लिश देयर पावर्स इन अजमेर एंड लेटर ऑन डिक्लेयर दिल्ली देयर कैपिटल. उसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी. उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई हैं आपने सुनी भी है. और फिर साउथ इंडिया ड्यूरिंग द राजपूत एज मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वेर एस्टैब्लिश्ड इन साउथ इंडिया. आफ्टर द डिवाइस ऑफ पुलकेशी टू बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज आई. द रायन ऑफ मैनी रूलर्स ऑफ चालुक्य डायनेस्टी आर नोटवर्दी. पल्लवा डायनेस्टी एंड चोल डायनेस्टी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया. नरसिंह वर्मा वॉज द स्ट्रॉन्गर रूलर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी. उनके बहुत सारे आर्किटेक्चुरल मेनुमेंट्स जो हैं काफ़ी फेमस हैं.
Kailashnath temple of Ranchi is the best example of it. Chola dynasty was also ruling in South India. Tanjore was their capital. Emperor of Chola dynasty attacked Ceylon and annexed many of its states. और इस तरह से चोलास जो पावरफुल बन गए थे, उनकी नेवी भी काफ़ी पावरफुल थी, यानी सी रूट से वो अलग अलग कंट्रीज में जाकर उनकी वॉर हुआ करती थी। राजा राजावान ने एडॉप्ट किया था सिस्टमेटिक वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इन हिज स्टेट, और इस तरह से बहुत जगह उन्होंने अपना लोकल सबमेंट को मेजरमेंट करना शुरू किया। अपार्ट फ्रॉम दैट राष्ट्रकूटा चेरा पंड्या रूल इन साउथ इंडिया, और इस तरह से बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं अलग अलग रूलर्स के, उनकी डायनेस्टी के, जो कि साउथ इंडिया में फ्लोरिश हुए थे। राजपूत लीडर्स ऑफ चौहान और चैमा रूल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान इन 7th and 8th century। अमंग देम उनके साथ द ब्रांचेज ऑफ बिगनिंग ऑफ द 8th century रूल्ड इन शाकंभरी नॉर्थ इन शाम्बर लेक इन अजमेर। लेटर ऑन 12th century अजय राज बिकेम द रूलर ऑफ शाकंभरी। He established Ajmera, now which is known as Ajmer. Chauhan invaded the capital Dillak, yani Delhi of Tomar and established there. Rule Prithviraj aur Raj Pitora jo the wahan ke bahut hi saahasik raja the, unke jitna koi bhi unke parallel nahi ho paya. Prithviraj Raso likhi gayi Chandrabhadra ke dwara aur wo kafi famous hai. Gohil aur Gohil jo the Mewar ke, unhein Sisodia Rajput ke naam se jana jata hai. उनका भी बच्चों मेडिवल हिस्ट्री में काफ़ी नाम है। इट इज बिलीव दैट बप्पा रावल एस्टैब्लिश्ड द डायनेस्टी। देयर वर मेनी पावरफुल रूलर्स इन दिस डायनेस्टी अबाउट हूम वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट यूनिट में उसको पढ़ेंगे। बच्चों राजपूत है इन साउथ और नर्मदा रिवर नियर जबलपुर मध्य प्रदेश। चेरी डायनेस्टी रूल विच वॉज नोन एज द स्टेट ऑफ कालचुरी। तो ये अलग अलग जितनी डायनेस्टीज थी, त्रिपति प्रेजेंट में तेवर के नाम से कैपिटल है, और चोला सोलंकी राजपूत अनिलवाड़ पाटन गुजरात का, ये सारे अलग अलग डायनेस्टीज के रूप में पावरफुल रूलर्स यहाँ पर आए और उन्होंने अपना अपने समय में अलग अलग कार्य किए। राष्ट्रकूटास जो थे उन्होंने साउथ में रूल किया विद द फॉल ऑफ चालुका डायनेस्टी। राष्ट्रकूटास गेन टू पावर। राष्ट्रकूटा का मीन मतलब है हेड ऑफ द स्टेट। उनमें से बहुत सारे रूलर्स जो थे गोविंद थ्री उनमें से पावरफुल रूलर्स माने जाते हैं। पंड्याज वर रूल्ड इन साउथ इंडिया और उनकी जो डायनेस्टी थी वो काफ़ी पावरफुल थी। द फॉरेन ट्रेवलर ने मैगजीन्स ने उनके बारे में लिखा है दैट फीमेल्स यूज टू रूल दिस कम्युनिटी। फीमेल्स में रूल किया करती थी एंड देयर इज रेफरेंस ऑफ पंड्या इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। पंड्या वॉज रूलिंग द प्रेजेंट मथुरा एंड थ्रूवन वैली इन द तमिलनाडु और चेराज आर ऑल्सो रूलिंग द साउथ इंडिया एंड चेर और स्पेन। चेरा जो है उसको आज के समय में केरला के नाम से जाना जाता है। तमिल स्टेट केरला मलयालम ये सारे अलग अलग इनमें राजाओं ने अपनी अपनी पावर के साथ डायनेस्टीज को फ्लोरिश किया और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलो करवाया। लास्ट में प्राइड ऑफ राजपूत रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। ये राजपूत जो थे वो बहुत ब्रेव थे, साथ ही साथ उनकी जो वाइफ थी वो भी काफ़ी ब्रेव हुआ करती थी। जब राजपूत लोग बैटल के लिए जाते थे तो अपने पुत्र को या अपने पति को राज तिलक करती थी, और अगर उनके पति बैटल में हार गए तो जितनी राजपूतानी थी वो जौहर कर लेती थी। जौहर का मतलब होता है टू बर्न अलाइव। इस तरह से उनके बहादुरी के जो कारनामे में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। बच्चों शॉर्ट में मैं आपको लोकेशन एंड टाइम बताऊंगी। चैप्टर 5 द इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन ईस्ट वेस्ट ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं, जो कि ईस्ट से वेस्ट होती है। और इमेजिनरी लाइन लैटिट्यूड मतलब इस तरह से लाइन होती है हमारी पूरी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में हमारी लॉन्ग लाइन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की इमेजिनरी लाइन्स हैं कि हमें पता चल सके इन लाइन्स के थ्रू कि कौन सी प्लेस कहाँ पर हमने उसको एग्जैक्ट होना चाहिए। लैटिट्यूड पासिंग एग्जैक्टली थ्रू द मिडल ऑफ द ग्लोब इज कॉल्ड 0° लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। इट इज लार्जेस्ट लैटिट्यूड। इट्स लेंथ इज अप्रॉक्सीमेटली 40,000
40,000 किलोमीटर इट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू पार्ट्स को अर्थ को डिवाइड करती है। बच्चों हमारे साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर के द्वारा पृथ्वी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। देर आर 90 लैटिट्यूड्स, कितने लैटिट्यूड्स है 90 डिस्टेंस के हिसाब से, और 181 लैटिट्यूड्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर। और इस तरह से एक साइड में 90, दूसरी साइड में 90 और प्लस एक इक्वेटर हो गया, तो कितने हो गए 181। और पृथ्वी टिल्ट होती है 23.5 डिग्री में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन आर इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है। अंटार्कटिक एंड आर्कटिक सर्कल भी हमारे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स माने जाते हैं। बच्चों नियर अबाउट 111 किलोमीटर डिस्टेंस है बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच में, जो दो लैटिट्यूड्स आते हैं हमारे उनके बीच में करीब 111 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसी जैसे हमारा पोल स्टार और प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, जो जीरो डिग्री लैटिट्यूड होता है विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच ऑफ लंडन, द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज नोन एज ग्रीनविच लाइन और प्राइम मेरिडियन, दोनों नामों से जाने जाते हैं। किसी भी जगह की विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द प्लेस इट्स लोकेशन ऑन द अर्थ और ऑन द ग्लोब कैन बी एज सर्टेन। किसी भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ही हमें पता चलता है कि किस ग्लोब में किसकी जगह कौन सी है, कोई स्टेट की है चाहे कंट्री की है पर्टिकुलर रीजन की है। टाइम, टाइम ऑफ ऑल प्लेसेज ऑन द अर्थ इज डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ सन। सन के हिसाब से पहले लोग ऐसे ही बता रहे थे और उसी के हिसाब से हमारी जो वॉचेज है, क्लॉक है, टाइम है, उसको उसी तरह से सेट किया जाता है। द अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, देर आर 360 लॉन्गिट्यूड, सो 15 लॉन्गिट्यूड पासिस बाय द सन इन वन आवर। एक घंटे में 15 मल्टीप्लाई में 4 कर दोगे तो कितना होता है 60, समझ आया आपको। और इस तरह से सारे हमारा मल्टीप्लाई किया जाता है। लोकल टाइम हमारे 12 बजे के हिसाब से होते हैं, जो कि हमारा इलाहाबाद हमारा सेंटर है, जो टाइम वहाँ पर होता है वही हमारी पूरी कंट्री में होता है। क्योंकि अगर हमारा 4-4 मिनट का डिस्टेंस आता रहेगा तो कंट्री में अलग अलग स्टेट का भी टाइम अलग होगा बच्चों, लेकिन इसलिए टाइम को पकड़ कर सेंट्रल जो किसी भी कंट्री का सेंट्रल टाइम है उसी को लेकर लोकल टाइम पूरा डिसाइड कर दिया जाता है। द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया इज decided from the 82.5 degree east longitude which is passes nearby Allahabad. और 12 बजे का लिया लेते हैं एंड दिस हेल्प्स टू मेंटेन टाइम मैनेजमेंट इन नेशनल ट्रांजेक्शन, इसी के कारण हो सकती है। फिर इंटरनेशनल डेट लाइन, बच्चों इंटरनेशनल डेट लाइन है दाइन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न 180 डिग्री लेटी लॉन्गिट्यूड सेम होते हैं, और इस कारण देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वन डेट एंड वन डे ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट साइड ऑफ द लाइन। द बिगेस्ट लॉ ऑफ द अर्थ के सन है, द टाइम ऑफ एनी प्लेस इज डिसाइडेड बाय द प्लेस ऑफ द सन इन द स्काई, द टाइम ऑफ द प्लेसेज ऑन द अर्थ इज डिसाइडेड थ्रू द लॉन्गिट्यूड, जो मैंने आपको भी समझाया। हमारा लोकल टाइम फिर स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग ऑफ लोकल टाइम, लोकल टाइम के कारण ही हमारा स्टैंडर्ड टाइम बनता है। और द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ आवर कंट्री इज फिक्स फ्रॉम 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर इलाहाबाद, इट मीन्स दैट इज 12 नून इन इलाहाबाद, सो द टाइम इज 12 नून एवरीवेयर। जब 12 बजे इलाहाबाद में तो हमारी पूरी कंट्री में 12 बजे का ही टाइम फॉलो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ फेडरल रेंज। किस तरह से वहाँ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था मध्यकालीन समय में वो हम बताएंगे। बच्चों लोकल यारो यानी ग्रुप्स हु सिंग्स फोक टेल्स, यानी कि जो हमारे मर्टियर्स हैं उनके लिए जो सॉन्ग गाए जाते हैं उनको लोकल यारो के नाम से जाना जाता है। उत्सव लाइक पालिया सॉन्ग वेरी मच ये मर्टियर डम, मैनी पीपल अटेंड मर्टियर डम फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री, हम लोगों के लिए आपसे पहले के लोगों की भलाई के जो लोग शहीद हो गए
उनकी याद में जो गाने गाए जाते हैं लोकड़ यारों के नाम से जाना जाता है। तो हम उस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजपूत एज पढ़ेंगे। बहुत सारे अलग अलग रूलर्स थे राजपूत एज में, छोटे या बड़े जो राजे थे उनके अलग अलग बाउंड्रीज थी, मिलिट्री पावर्स थी, उनके किंगडम्स थे, उनकी डायनेस्टीज थी जो हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और एक्सटर्नल इन्वेजन कैसे रहे, पहले उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। 7th सेंचुरी के बाद छोटे और बड़े जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने अलग अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लागू किया। जो राजा थे उनके बच्चे ही राजा बना करते थे, फॉर एग्जाम्पल कि राजा का बच्चा ही उसका वारिस होता था, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता था, जो ब्रिलियंट लोग होते थे उनमें उनके ग्रुप में से भी लेकर के राजा बनाए जाते थे। एग्जाम्पल के लिए कश्मीर के यशकारा वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम द ब्राह्मिन ग्रुप और कुमार वॉज सिलेक्टेड फ्रॉम बाय द मिनिस्टर ऑफ रॉयल कोर्ट, रॉयल कोर्ट में से ढूंढा गया और वह ब्राह्मण समाज में से राजा बनाया गया। इस तरह से जो लोग अपने राज्य की और देश की भलाई करते थे उनको ही राजा बनाया जाता था, पर उसके बावजूद भी अपवाद थे, कई राजा अपने ही बच्चों को बना दिया करते थे। कैसा था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गाँव का? ग्राम सभा पास करती थी जजमेंट और पनिश करती थी जो कि कल्प्रिट होता था, जिस तरह से आज के समय में भी ग्राम पंचायत के जो हेड होते हैं वही पूरा सिस्टम रिलेटेड टू लॉ चलाते हैं और लोगों को पनिश करते हैं, उस समय भी इसी तरह का सिस्टम किया था। लैंड लॉर्ड जो थे कलेक्ट करते थे टैक्स और वो राजा के पास टैक्स पहुँचाया जाता था जो कि राजा लोगों की भलाई के लिए यूज़ किया जाता था करते थे। तो लिटरेचर उस समय में लिटरेचर फ्लोरिश हुआ कई लैंग्वेज में, संस्कृत, प्राकृत, तमिल और कन्नड़ा, तेलुगू में। उस समय के एक जो पोएट थे उन्होंने शिशुपाल वध को संस्कृत में काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था, भगवान कृष्ण ने किस तरह शिशुपाल का अंत किया था। इसी वजह से नेशनल चैरिट विच डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ नल एंड डायमंडी, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग रचनाएं लिखी, ड्रामा लिखे, पोएम्स लिखी जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई थी। हेमचंद्राचार्य थे उन्होंने कुमारपाल चरित लिखा था जो कि सोलंकी डायनेस्टी गुजरात के थे। सिद्धेव शब्दानुशासन जो बुक थी वो लिखी थी, ग्रामर की बुक जिसे काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया गया था, हाथी के ऊपर बैठा कर उस बुक को घुमाया गया था। उत्तर रामचरित ड्रामा था लिखा गया था भवमूर्ति ने, पंचतंत्र वेस कई कहानियाँ भी लिखी और इस तरह से अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग पोएम्स, ड्रामास, लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखी जो आज भी कंजर्व की गई है, प्रिजर्व की गई है हम लोगों के ज्ञान के लिए। कई बिल्डिंग्स बनाई गई थी राजपूत एज में, उनका कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर जो था वो आज भी हमें मिलते हैं, चाहे वो टेम्पल्स हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेज हैं। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश और नॉर्थ इन द नॉर्थ इंडिया एंड पुरी टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर आर फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वो भी काफ़ी फेमस है। दादर सन टेम्पल ऑफ इंडिया आर बार्तन टेम्पल ऑफ कश्मीर एंड सन टेम्पल ऑफ मोढ़ेरा जो कि हमारे गुजरात के, आप बच्चों को हम लेके गए वहाँ कई बार। जो सन टेम्पल मोढ़ेरा के इसकी फर्स्ट सनरेज डायरेक्टली स्टैचू में पड़ती है और पूरे मंदिर में से प्रकाश फैल जाता है। चैरियट टेम्पल जो कि सेवन हॉर्सेस उसको चला रहे हैं, और एलोरा केव्स जो है साउथ इंडिया में वो काफ़ी फेमस है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड उसके अंदर पूरा डिस्क्राइब किया गया है। द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई है ब्यूटीफुल स्कल्पचर और थ्री फेस शिवा। मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई बहुत फेमस है बच्चों ये भी, साथ ही साथ उनका एंट्रेंस जिसे गोपुरम के नाम से जाना जाता है। साउथ इंडिया में मैनी फॉरन इन्वेडर्स केम टू लूट दीज टेम्पल्स एंड थंडर टेम्पल, बाहर से जितने भी इन्वेडर्स आए उन्होंने हमारे देश की जो मंदिरों में हीरे जवाहरात सोना भगवानों के मुकुट थे, सोने चांदी और हीरे के और दीवारों में कारगिल के सब लूट करके ले गए और उन्हें खोखला बना दिया। मोहम्मद गजनी राजपूत एज इज वेल नोन फॉर इट्स ग्लोरी एंड सेक्रीफाइस। इन दिस टाइम मैनी ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड बिल्डिंग्स वेर कंस्ट्रक्टेड, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी लेकिन बहुत सारे इन्वेडर्स आए भारत में, उन्होंने यहाँ पर आकर अटैक किया, लूटा, उस पर से मोहम्मद गजनी ने बार बार अटैक किया। मोहम्मद गजनी जो था ही वाज द सुल्तान ऑफ गजना
When he attacked India many times, he faced many problems, but every time he came and plundered India. Once when he came to India, attacked India, Bhimdesh Solanki was ruling in Gujarat. Many people from Saurashtra and Gujarat went Bhimdesh Solanki to save Somnath. लेके सोमनाथ टेम्पल को बचा नहीं पाए, वो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें लूट के ले गए और वो शिवलिंग को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर पाए। शिवलिंग पे उसकी तलवार का निशान अभी भी है। फिर चेंज इन द रूल ऑफ दिल्ली। आफ्टर द डिमाइस ऑफ गजनी, द लीडर्स इंटीग्यूट द एस्टेब्लिशमेंट देयर पावर इन गजनी। द राजपूत किंगडम डिडंट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस। ड्यूरिंग दिस टाइम शाहबुद्दीन गौरी एस्टेब्लिश्ड इज स्ट्रॉन्ग रूल इन गजनी। और शाहबुद्दीन ने अपना स्ट्रॉन्ग रूल गजनी बनाया। उसने डिसाइड किया कि भारत में जाएगा और उसने भारत में आकर अटैक किया और अपना रूल स्टैब्लिश करके वो भी यहाँ से बहुत सामान लूटकर ले गए। इन द बिगनिंग ही डिडंट सक्सीड। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायिका देवी। नायिका देवी ने उसको बुरी तरह से हरा दिया था, इसलिए उस हार को वो पचा नहीं पाया। 12 साल बाद उसने वापस भारत में अटैक किया और वो इस तरह से यहाँ पर सक्सेस हुआ। पृथ्वीराज ने बहुत ब्रेवली उसके साथ लड़ाई करा, लेकिन कंटेम्प्रेरी राजपूत किंग्स डिडंट सपोर्ट। उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया पृथ्वीराज चौहान को, जिससे उनकी विजय नहीं हो पाई और राजपूत रूल एक तरह से खत्म होने की कगार पे आ गया। शाहबुद्दीन ने अपना रूल दिल्ली में एस्टेब्लिश किया। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम आफ्टर शाहबुद्दीन गौरी स्लेव गुलाम। उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपना अपनी डायनेस्टी को गुलाम डायनेस्टी के रूप में स्टैब्लिश किया। कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ने बनाया है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में, वो गुलाम डायनेस्टी के थे। द रूल ऑफ राजपूत केम टू एन एंड इन द दिल्ली। हियर वॉज चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। वट टाइप ऑफ चेंज टू प्लेस। थिंक अबाउट सिचुएशन। पीपल स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग द पावर। द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज स्टेन्ड विद ब्लडशेड। और इस तरह से जो भारत का जो सिंहासन था पूरी तरह से खून से रंग था। वो आपको एक तीनों चैप्टर समझ आ गए होंगे। इससे पहले के 3 चैप्टर्स और 3 चैप्टर्स आप रिवाइज करिए। रिवाइज मटेरियल PDF से लेके पढ़िए और एग्जाम्स की तैयारी करिए। थैंक यू।